हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट्स लेने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हमें सबको पता ही है ये मॉडर्न वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। वी डिपेंड ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कोई भी थिंग और एक्टिविटी करनी हो तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लगती ही है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फेस ड्यू टू फेलर ऑफ पावर सप्लाई, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स। अगर कभी पावर सप्लाई फेलर हो तो इनकन्वीनियंस ना हो, इसीलिए हॉस्पिटल्स, बैंक, ऑफिसेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जनरेटर्स रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी is used for running electric furnaces, electric motors and several other instruments used in industries. तो इंडस्ट्री में अलग अलग वे से इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां भी इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक द फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर एक्सेट्रा। तो ये हमारे घर में कोई अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। आई हेल्प अस बाय सेविंग टाइम एंड लेबर। इसकी वजह से हमारा टाइम भी सेव होता है और लेबर भी। ऑल दीज डिवाइसेज कैनॉट बी रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये सब डिवाइसेज इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो चल नहीं सकती। तो इतना तो हमें पता ही है, अभी हम आगे देखेंगे। नॉट ओनली ह्यूमैन बींग बट सम एनिमल्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये देखो क्या बोला है यहाँ। ह्यूमन बींग तो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से, देखो फिशेस सच एज ईल। ईल फिश आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल करके देख लो ईल फिश होता कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है किस लिए, टू कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट उसका प्रे कैच करने के लिए, उसका शिकार पकड़ने के लिए, वो हंट करने के लिए यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी। द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइटनिंग हम देखते हैं बारिश के सीजन में, तो वो भी एक नेचुरल फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का। वॉट इफ वी कुड कलेक्ट एंड स्टोर दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो सकता है अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज रिलीज फ्रॉम डैम एट हायर लेवल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती कैसे है, नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो वाटर रिलीज किया जाता है डैम से हायर लेवल से, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से इट फॉल्स टू लोअर लेवल, वाटर नीचे आएगा। Thus, as we know, the direction of flow of water between two points depend on the level of the two points. तो हमें पता है direction of flow water कैसे होगा, two points depend है, level क्या होगे two points पे उस पर। तो जितनी higher level से आएगा उतना ही ज्यादा power हमें create करने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो power create करने वाले जो machines होते हैं वो उससे ही चलते हैं। ठीक है, और वहां से energy generate होती है। ठीक है, अभी यहां पे कंसेप्ट है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बट ये कंसेप्ट ये ईयर के लिए आपके पोर्शन में नहीं है, तो एक्टिविटी हम नहीं देखेंगे। आप रीड कर सकते हो, रीड करनी होगी आपको, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आगे हमें हमारे सामने दिखाई दे। जस्ट लाइक वाटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट्स, दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये डिफाइन है, आप टिकमा करके हाईलाइट करके रख दीजिए। ओके, जैसे वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाता है, फ्लो होता है। तो उनको वाटर का कंपैरिजन उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैसे होगा इसके साथ किया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन।
हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं कहां से कहां तक, तो हमने देखा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर निगेटिव पोटेंशियल ऑन द क्लाउड्स टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल ऑन द अर्थ। तो ये भी यहां पे बताया कि लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक कैसे जाएगी, क्योंकि हमें पता है नेचुरल लाइटनिंग जो होती है वो कहां पे होती है, क्लाउड में, ओके तो वहां पे होता है लोअर पोटेंशियल यानी निगेटिव चार्ज होता है क्लाउड्स में, और पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल कहां पे होता है, अर्थ पे। तो अर्थ की तरफ आती है क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसलिए लाइटनिंग जब स्ट्राइक होगी वो नीचे ही आएगी। वी शैल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन हायर स्टैंडर्ड, तो हायर स्टैंडर्ड में आपको मतलब आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में आपको हायर पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्टडी करने के लिए मिलेगा। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट टू पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा वैल्यूज का टू पोटेंशियल्स के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में, उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम। बाजू में एक फिगर दी है, आप देख सकते हो, यस, इन द फिगर कंडक्टर ए इज अ हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर बी, ए हायर है बी से। When these two are connected by conducting wire, दोनों को एक conducting wire से अटैच किया, potential difference is created between it two ends, so दो ends में potential difference create होगा, and electrons will flow from B to A, electron flow होंगे B to A से, okay, this flow will continue until the two conductors A and B have the same potential, जब तक दोनों का potential same नहीं होगा तब तक ये flow होंगे, मतलब यहां से यहां तक flow होंगे, until their potential differences become zero, only then will the flow of electrons stop, tabhi electrons ka flow jo hai stop hoga. Work has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of lower potential to a point of higher potential, to work kabhi hoga inke against electric field mein, to positive charge from point of lower potential, to lower potential se leke positive charge tak to point of higher potential, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक यानी निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही बोल सकते हैं हम, तब वहां पे वर्क डन होगा, ओके जैसे ये निगेटिव से पॉजिटिव तक आया तो वर्क डन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे हम बोल सकते हैं। यहां पे ऊपर लिखा है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और यहां से फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, the difference in potential between the positive and negative terminals of a cell is a potential difference of that cell, ये potential difference किस तरह से बोल सकते हैं, यहां पे positive and negative terminals होंगे end होंगे cell के, तो उनका potential difference वो होगा। this potential difference is caused by chemical reaction occur inside the cell, cell के inside में जो chemical reaction होगा उसे ही potential difference हम बोल सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स इलेक्ट्रॉन इन मोशन, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे, मूव होंगे, एंड रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कंडक्टिंग वायर से जो कनेक्ट करती होगी दो एंड्स को। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो यूनिट कैरी होगा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज तक, मतलब ए से बी तक, उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा दो पॉइंट के बीच में। तो यहां पे फॉर्मूला बेसिस से भी हमें बताने की कोशिश की है, वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्स यानी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ओके सो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन वन कूलम, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट, तो हाईलाइट करके रखिए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एसआई सिस्टम में क्या है, वोल्ट है। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है डायग्राम, ये न्यूक्लियस रहेगा और सिंगल आइटम, इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं, ओके वीकली अटैच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये एक की जगह के छोर पे दूसरी जगह पे जा सकते हैं, मतलब मूव हो सकते हैं यहां से वहां इधर से उधर,
यहां से यहां आया, यहां से इधर चला गया, ऐसे मूव होते जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूव होते हैं, एक जगह पे दूसरी जगह, दूसरी जगह पे तीसरी जगह। सो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये दोनों इंफॉर्मेशन रिमूव की गई है, रिड्यूस की गई, बट आपको ये रीड करनी है सेल्फ स्टडी के लिए, हम आगे वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके चलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरी एटम ऑफ मेटेलिक कंडक्टर हैज वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो हर एक एटम होता है मेटेलिक कंडक्टर में, उसे एक और उसे ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते ही है, विच आर वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस से उनका कनेक्शन थोड़ा वीक होगा, वीकली बाउंड होगा, उन्हें कहा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे फिगर 3.3 में बताया था, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंडक्टर टू अनदर पार्ट। सो एक पार्ट से दूसरी जगह पे वो फ्रीली जा सकते हैं, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा गया है, क्योंकि मूव हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। द निगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो गेट ट्रांसफर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोशन। तो इनकी ये मोशंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी उनकी वजह से निगेटिव चार्ज भी ट्रांसफर होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर द कैरीज ऑफ निगेटिव चार्ज। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें होता ही है निगेटिव चार्ज, तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे, यानी निगेटिव चार्ज मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आगे देखेंगे, करंट फ्लोविंग थ्रू अ वायर। ओके देखो, एज शोन इन फिगर 3.4, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, अगर कंडक्टिंग वायर कनेक्ट नहीं होगी, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। तो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली इधर से उधर जा सकते हैं, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, उनकी डायरेक्शन कैसी भी होगी, ठीक है। वेन वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, जब ये कंडक्टिंग वायर जो है टर्मिनल्स के दो एंड्स में अटैच्ड होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स उन पे एक्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स पे, और निगेटिव चार्ज होगा, एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द निगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो देखो यहां पे जब ये वायर कनेक्ट हो गई तो ये सब एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे, ये निगेटिव चार्ज यहां पे और ये पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक वो फ्लो होने चालू होंगे, फिर ये ऐसे वायर में फ्लो होते जाएंगे। आपको ओनली इमेज यहां तक दिया है, बट ये पूरा वायर रहेगा, सर्किट रहेगा, तो वो पूरे ऑल वे घूमते रहेंगे, ठीक है। एज शोन इन फिगर 3.4, ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द वायर। इसकी वजह से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उनकी वजह से हमें करंट फ्लो होता है ये समझता है। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इरेगुलर, बट देयर इज अ डिफिनाइट नॉन जीरो वैल्यू टू देयर एवरेज वेलोसिटी। तो ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इरेगुलर होगा, बट उनका डेफिनाइट नॉन जीरो वैल्यू जो है वो एवरेज वेलोसिटी के साथ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे, एक फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में से। क्वांटिटेटिवली करंट यानी आई इज डिफाइंड एज अ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हुआ कंडक्टर में से उसे बोलते हैं करंट। इफ चार्ज यानी क्यू इज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन फॉर्मूला बनता है करंट का यानी आई का क्यू अपॉन टी। ओके, द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई यूनिट इज कूलम्ब यानी सी। करंट इज एक्सप्रेस इन एम्पियर ए, एंड द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1.6 × 10⁻¹⁹ पावर सी यानी कूलम्ब। एम्पियर, देखो एम्पियर का डेफिनेशन हाईलाइट करके रखो, वन एम्पियर करंट इज सेड टू फ्लो इन अ कंडक्टर इफ वन कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू इट एवरी सेकेंड। तो एवरी सेकेंड में अगर वन कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम वन एम्पियर करंट बोल सकते हैं जो कंडक्टर में से फ्लो होगा, यानी फॉर्मूला के बेस पे देख सकते हैं, वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम्ब अपॉन वन सेकेंड, ठीक है। रेसिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ, देखो ओहम्स लॉ क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स वी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉ दैट वॉज गिवन बाय द जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन
ओह, तो इन्होंने एक लॉ बताया रिलेशनशिप बताने के लिए, वो लॉ यहां पे देखते हैं लॉ क्या है। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर फिजिकल स्टेट कंडक्टर का सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इजिली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन इट्स टू एंड्स। तो जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ दोनों एंड से। तो यहां पे दिया प्रोपोर्शन, देखो वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वन इज इक्वल आई इज इक्वल टू के वी, ये आई है एन वी उनका रिलेशन दिया है, आई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट होता है वी, सो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बताया गया यहां पे। सो आई इंटू के अगर मूव करेंगे ए साइड को, यानी के यहां पे राइट साइड को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड को लाना है, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएंगे। सो आई इंटू वन अपॉन के इज इक्वल टू वी, वन अपॉन के इज इक्वल टू आर, यानी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होगा। सो वन अपॉन के को एक्सचेंज करेंगे आर के साथ, तो आई इंटू आर इज इक्वल टू वी, हेंस फॉर्मूला बनेगा वी इज इक्वल टू आई आर, और ऐसे ही बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, दिस इज नॉन एज ओहम्स लॉ, ये पूरा जो है ओहम्स लॉ बनेगा। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर मीन्स इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। द फिजिकल स्टेट क्या होगा यहां पे एक्सप्लेन किया है, उनकी लेंथ क्या होगी, एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शन का, टेम्परेचर क्या होगा, और मटेरियल कैसे सिचुएशन बना है, मेडअप कैसे हुआ है, ये सब फिजिकल स्टेट होगा। ठीक है, वी कैन ऑब्टेन द एसआई यूनिट रेसिस्टेंस फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस कॉल ओहम, जो यूनिट होगा रेसिस्टेंस का उसे ओहम बोलेंगे, इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ये सिंबल यानी ओहम, ये सिंबल से ओहम ये जो है दर्शाया जाएगा। तो वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर इज इक्वल टू वन ओहम, यानी इस तरह से। ठीक है, आगे देखेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ वन ओहम, इफ वन एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो वन एम्पियर करंट अगर फ्लो होता है कंडक्टर से, जब भी वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाई किया हुआ, देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन वन ओहम, तो रेसिस्टेंस कितना होगा वन ओहम का, तो ये वन ओहम का डेफिनेशन बन गया, हाईलाइट करके रखिए। ठीक है, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, जैसे फिगर 3.4 में बताया, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में बहुत सारे लार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, नॉर्मली वो कैसे भी मोशन में होते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जैसे ही वायर उनसे कनेक्ट की दो एंड से, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव होने चालू हो गए एट द एंड ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द एंड ऑफ हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर पोटेंशियल तक मूव होने चालू हो गए। दिस डायरेक्शन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉज द फ्लो ऑफ करंट, इसकी वजह से करंट फ्लो होना चालू होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एटम्स आयन्स विच लाई अलोंग देयर पाथ, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ टकराने लगते हैं जो उनके पाथ में आएंगे एटम्स, सच कोलिजन कॉज हाइंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कोलिजन की वजह से उनके फ्लो में एक डिफिकल्टी आती है एंड अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करेगा, दिस हाइंड्रेंस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, रेसिस्टिविटी, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड द मटेरियल इफ इज मेड ऑफ, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर देन आर वेरियंस एल आर प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए एंड आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एल अपॉन ए। ओके, ये जो साइन है यहां पे दिया इज द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द रेसिस्टिव ऑफ द मटेरियल, तो इसे रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोला जाएगा। द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इन एसआई यूनिट इज ओहम मीटर, सो ओहम मीटर ऐसे लिखेंगे। रेसिस्टिविटी इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटी, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। ओके, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर
कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूस पाथ जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की, वो वायर से कंडक्ट की जाएगी जो कनेक्ट होगी दो एंड्स को सेल के। अदर रेसिस्टेंस होंगे जिनको हम एक साथ बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है। अ सर्किट इज डिपिक्टेड बाय अ फिगर। दिस फिगर शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन द सर्किट। तो अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे ज्वाइन होते हैं सर्किट में यहाँ पे बताए। जैसे इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ पे एमीटर और यहाँ पे रेसिस्टेंस एंड वोल्टमीटर। बाय यूजिंग स्पेशल सिंबल, अलग अलग सिंबल यूज करके बताएंगे। सच फिगर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हम बोल सकते हैं। इन द सर्किट फिगर 3.5 मतलब यहाँ पे एमीटर इज यूज टू मेजर करंट एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर यूज होगा करंट काउंट करने के लिए, वोल्टमीटर होगा पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने के लिए। एज द वोल्टमीटर हैज अ वेरी हाई रेसिस्टेंस ओनली वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट। तो वोल्टमीटर हाई रेसिस्टेंस पे होगा इसलिए बहुत स्मॉल करंट वहां से फ्लो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें सो मेनी कंसेप्ट हमने देखे हैं और बहुत कुछ कंसेप्ट देखने बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो में जो हमने कंसेप्ट देखे हैं आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे जरूर बताओ, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है।